ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां नितये भवरोगिणां नितये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमा स्मराचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा कैवल्यकल्पतरवे कल्याणगुरवे नमः सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः ॐ आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसानां करोम्यादौ देवताह्वानलाञ्छनम् ध्रुवं राजा वरुणा ध्रुवं देवो बृहस्पतिः इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् विश्वरूपा मदन्ति मन्त्रेण दोर्जन्तिगानाः वगष्टदैतो ्यः पवित्रं धृत्वा पवित्रपाणेः अक्षतान् गृहीत्वा शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये संगतया प्राणानागम्य अमृतं ब्रह्माभोद्भवस्वरो भक्त समस्त गुरुदक्षयद्वारा श्री पार्वती परमेश्वराज्ञा परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं शिथिलं तदेव तारापलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव गौरीपते जङ्घ्रीकं स्मरामि अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणाः श्री महागणपते प्रात नमस्कारां शिव शिव शम्भोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः परार्धे वेदवराकल्पे सदमन्मन्दरे अट्टादिकं च समे योगे प्रथमे भागे द्वे भारतपरदे खण्डे रोह पार्श्वे कलकारण्ये प्राप्ते अस्मिन् वर्तमाने हारिके भगवादि संवत्सराणामध्ये इदानीं मङ्गलकर विलम्बीनाम संवत्सरे उत्तराजने वसन्तरतो मेधभासे शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे मङ्गल शब्दम्यां सुपतितो वादरः वादरत्तो मङ्गल इन्दुवादरसंयुक्तायां श्रवणनक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्र अशुभयोगुण सद्गुण विशेषेण विशिष्टायां स्यां वर्तमानायां सुपतितौ देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डगौड ब्रह्माण्डनाजकस्य संहारदुरोपावानुग्रह पञ्चगत्यपराजनस्य श्रीमत्कर्पक महागणपतिस्वामिनः अनुग्रह प्रसादार्थम् आर्तिकर कार्तिकेय परब्रह्मस्वरूपस्य श्रीमते वल्लीनाथ गी देवनाथमेद शिरगिरि सुब्रह्मण्ये सरमूर्ति अनुग्रह प्रसाद सिद्धत्वम् अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डगौरि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रोत वृषभादिरूढस्य श्रीमते करुणाम्बिकासमेद अविनाशप्पमूर्ति स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धत्वम् श्रीमते माणिक्यवाच गुरुनाथमूर्ति अनुग्रह प्रसाद सिद्धत्वम् अस्य देवी देव्यायाः जगन्मङ्गलदायिन्या परा पट्टाधिकायाः इच्छाज्ञानक्रियात्मिकस्वरूपिण्याः सचामरमावाणी सविलक्षण सेवितायाः अखिलाण्डगौरि ब्रह्माण्डनायकीयाः श्रीमते अस्य परियकुर्वम्बालयम् इति नामालङ्कृतस्य शीतला महामारम्भिकायाः आलय अष्टबन्धन महाकुम्भाभिषेक महासान्दिक महामङ्गलयुगपयम् तृतीयल चतुर्थकाल जागशाला पूजा महाशान्तिक महामङ्गल विघ्नेश्वर पूजा पुण्यागवादल पञ्चगव्य विनायक महागणपति पूजा प्रार्थना पूर्वकं पुण्यापजवियजलेन सर्वत्र सम्प्रोक्यस्य यजमानस्य सर्वेषां भक्तमहाजनां ग्रामेषु सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमाभिवृद्धत्वम् आदिरभिवृद्धदासिद्धत्वम् अरोगजटगात्रदासिद्धत्वम् आचन्द्रार्कगुणवंशाभिवृद्धत्वम् धनधान्यभिवृद्धदासिद्ध्यर्थम् सर्वेषां ग्रामेषु सुमित्तिप्राप्तिकरसिद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहदोषनिवारणार्थम् आदित्यादि नवग्रहमूर्तिप्रसादासिद्ध्यर्थम् सर्वापिट्टदासिद्ध्यर्थम् आलयेषु इन्द्रादि अट्टदिग्बालमूर्त्यर्थं निरन्तर अनुग्रहप्रसादादसिद्ध्यर्थम् वरुणप्रसादादसिद्ध्यर्थम् व्यवसायद्वारे उद्योगद्वारे कोटिकोटिलाभकरदासिद्ध्यर्थम् कुम्भामुद्यत्त धनोपकारीणां धान्योपकारीणां शरीरोपकारीणां वाक्सकारीणां सर्वेषां सकुटुम्बानां क्षेमाभिवृद्धत्वम् अस्य विषयतः तृतीयदिन चतुर्थकालयागपूजाख्य महाशान्तिक महामङ्गल आचार्यमुखेन अहम् अद्य करिष्ये अक्षदानोत्तरदोनुदस्य
महागणपतिं प्रार्थ्य वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपते नमः प्रार्थनमस्तान् समर्पयामि सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णापि बलदेश बल्गदलजो श्रीकण्डगे गौपदी कावेरी कपिला प्रयाग सरजो वेत्रावती ख्यादयः श्रीकर पाद पंकज भवा कुर्वन्त वा मंगला आज नमः प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आचार्यः वेदिका समीपं गत्वा अपः क्षीरगुराग्राणि तण्डुला सुमनास्तिलाः अर्घ्योष्टाङ्ग इति प्रोक्त जवै सिद्धार्थकैः सह तस्मिन् आसनमूर्ते ब्रह्मपञ्चक विद्यादेह नेत्र मूलाङ्गैः पुनः मूलेन सम्पूज्य अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावगुण्ड्य मूलेन ध्येनमुद्रां दृढित्वा तज्जलेन स्वात्मानं पूजा द्रव्याणि तदुपरी दीव्राय नमः ज्वालिन्नी नमः आजी नमः भोगदाजी नमः कामरूपिणी नमः उग्राजी नमः तेजोवत्यै नमः सत्याजी नमः कर्णिकाजामीशाने विघ्नविनाशिन्यै नमः चाजी नमः ज्ञान्यै नमः क्रियाजी नमः वाजी नमः वागीश्वर्यै नमः आजी नमः ज्येष्ठाजी नमः रौद्रै नमः ग्लां ग्लुं महागणपत्यासनाय नमः ग्लां ग्लुं गं गणपते मूर्तये नमः ऐं श्रीं सीतला महामार्यम्बिकासनाय नमः ऐं श्रीं ग्लीं शीतला महामारंभिका मूर्ते नमः ऐं श्रीं क्लीं भीमरुद्राण्यासनाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं भीमरुद्राणि मूर्तये नमः दर्पमट्टिं न्यासादिकं कुर्यात् ॐ ह्रीं ईशानमूर्त त्वां नमः मुखे गणपतिं नमः कण्ठे हवामके नमः हृदये हवीं नमः दक्षिणांसे हवीना नमः वामांसे वस्त्रवस्तं नमः नाभौ जेष्ठदाय नमः भृट्टे नमः गुह्ये ब्रह्मणे नमः दक्षिणारौ नमः वामोरौ नमः दक्षिणजानने नमः वामजानने सलिलं नमः दक्षिणजङ्घायां नमः वामजङ्घायां सीदन् नमः दक्षिणपादे सादन् नमः वामपादे गणपतये नमः सर्वाङ्गेषु ईशानमूर्धाय उमायै नमः मूर्धिनि पुत्रसूत्राय गौरी नमः वक्त्रे हृदयाय गङ्गायै नमः हृदये वाम्भिक्याम्बिकायै नमः नाभोजातमूर्ते गणाम्बिकायै नमः पादयो महागणपते नमः शीतला महामारिम्बिका भीमरुद्राण्मा सर्वाङ्गेषु ध्यानं कुर्यात् सूर्याब्जानल लोचनं मललसते कोटीरहस्तं महा नागेन्द्राण सुन्दरं गजगां भोजेऽङ्कुशं पासकं दन्तं मञ्जुललड्डुदन्तशतं हस्तध्वजे मेखला बालालङ्कृत मध्यमं भुजमलते यज्ञोपवीतं भजे विद्यादेगान ग्लौं नेत्रेभ्यो नमः मणिनिभाङ्गां चाग्निकेशां करण्डं डमरकधृतशूलं खड्गहस्तां कपालम् अनलनयननागम् आसनं पद्मपीठाम् अखिल भुवनमाता शीतला देवीमिडे ऐं ह्रीं श्रीं शीतला महामारिम्बिकाजी नमः विद्यादेहाय नमः नेत्रेभ्यो नमः नानाहं त्वा गणपतिं भवामहे कविञ्च वेदा भवस्रवत्तम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदभिः श्रीदसादनम्
गौरी विमाय सलिलानिदक्षत्येकपदे नवपदे बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्ने नाम ग्लोम गम गणपदे नमः शीतला महामारिम्बिकाय नमः मूले नावाक्य आवागने तापने सन्निधाने सन्निरोधने विपन्दने अवगुण्डने आलत्रय दीनुपाशाङ्कुशमुद्रां योनिमुद्रां नमस्कारमुद्रां दर्शयित्वा निरोधार्घ्यं दत्त्वा वदन्ते महादेवं महादेवी विज्ञाप्य स्वागतं देवेनोक्तं विभाव्य स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावद्भूतावधानकं तावत्तं प्रीतिभावेन कुम्भे सन्धनदीर्भवा वरदोभवा स्वामिन् प्रसीद प्रसीद स्वागताघ्यं दत्त्वा हृदयाय नमः वामिन्नी नमः सरसे निलिन्नी नमः चिकाचक्रन्नी नमः कवचाय गज्ञन्नी नमः नेत्रेभ्युपासाङ्गी नमः अस्त्राय गाम्भीर्यै नमः मूलेन एकत्वं विभाव्य अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेन आकुञ्चमूलेन धेनुमुद्रां दर्शयित्वा सकृदा नमोऽन्तमूलेन पादयोगोपाद्यद्वयम् सुदान्तमूलेन मुखेषु आचमनीयत्रयम् स्वागान्तेन सरस्यर्घ्यं दत्त्वा चन्दनाक्षरदूर्वा श्रीपुष्पहेमगौपीन मेघलोपवीत विचित्र वस्त्राणि कुण्डलाद्याभरणानि मनसा भक्त्या च नैवेद्या आत्मदत्ताय नमः आत्मदत्ताय ग्लां ग्लौं गं गणपते नमः शीतला महामारिम्बिकाय नमः भीमरुद्राण्यै नमः दत्त्वाय नमः ग्लां ग्लौं गं गणपते नमः शीतला महामारिम्बिकाय नमः भीमरुद्राण्यै नमः दत्त्वाय नमः ग्लां ग्लौं गं गणपते नमः शीतला महामारिम्बिकाय नमः भीमरुद्राण्यै नमः आदिभिः पुष्पधामादिभिः अलङ्कृत्य अस्त्रेण गण्डाम्बादेन मनोरमुद्रां दर्शयित्वा शक्तिमस्त्रेण संप्रोक्ष्य कवचेनावगुञ्ज्य अनन्तायन्मादर्वज्ञान वैराग्यैसर मध्ये सत्यासनाय नमः पीठशक्तिमूर्तये नमः ज्वरत्केशीं खड्गकेटकधारिणि दात्वा पीडेश्वरीं देवी गन्धपुष्पादना चेते पीठशक्ति नमः आवाह्यार्घ्यं दत्त्वा लयाङ्गमप्यर्च्य भोगाङ्गं प्रार्थ्य आवरणे ॐ ईशानमूर्ताय नमः पुरुषवक्त्राय नमः अमरहृदयाय नमः आदित्याय नमः योजातमूर्तये नमः नेत्रेभ्यो नमः हृदयाय नमः हृदये नमः ॐशिखायै नमः अमराय नमः नेत्रेभ्यो नमः अस्त्राय नमः आवरणे वरदाय नमः वीराय नमः विघ्नेशाय नमः गजारणाय नमः भक्षप्रियाय नमः गजगन्नकाय नमः जगाय नमः लम्बोदराय नमः ूदायण्मा सुभद्रायण्मा वामनायण्मा सङ्गबालायण्मा मोषिकायण्मा गिरिजुण्डायण्मा उग्रायण्मा कुम्भचण्डाय नमः वामाजै नमः ज्येष्ठाजै नमः रौद्रे नमः काल्ये नमः कलविकरण्ये नमः बलविकरण्ये नमः बलप्रबन्ध्ये नमः सर्वदमन्ये नमः मनोन्मन्ये नमः नमः देवताजै नमः कुन्दिन्यै नमः कालिन्यै नमः मन्द्रिन्यै नमः मालिन्यै नमः उन्मदाजै नमः मुनिन्यै नमः इन्द्राय नमः अग्नये नमः जपाय नमः हृदये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानायन्मा ब्रह्मणेन्मा विट्टवे नमः सगी देवीन्मा स्वागा देवीन्मा सर्गा देवीन्मा भर्गा देवीन्मा कालगण्ड्यै नमः निर्मिन्यैमा नारिणी सुषगेदिन्यै नमः सरस्वत्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः पञ्चमावरणे नाराजाय कुम्भं नमः त्रिशूलाय कुम्भं नमः वेदालाय कुम्भं नमः पाशाय कुम्भं नमः अङ्कुशाय कुम्भं नमः गदाय कुम्भं नमः चक्राय कुम्भं नमः उसलाय कुम्भं नमः खड्गाय कुम्भं नमः एतेषां पञ्चासन पञ्चमावरणसखिताय ॐ ग्लां ग्लौं गं गणपते नमः ऐं श्रीं ह्रीं शीतला महामारिम्बिकाय नमः भीमरुद्राणि कुम्भमध्ये मूलेनावाक्य आवागणतापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धनावकुण्डलतालत्रय धेनुमुद्रां नमस्कारमुद्रां दर्शयित्वा सर्वेषां वेदिकायां धूपदीप नैवेद्यादिकं दत्त्वा ओम दूरशदूर दूरंदम दूरदीयोस्तांदूर्वजम दोहर्वजम वजम दूर्वा महाद्रुपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि बर्पवस्वः कदलीबलदाम्बूलं निवेदयामि ओम सर्वस्याब्दे सर्वसुदब्दे सर्वमेव देनाः प्रोदे सर्वं जयदे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थदालगे शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। ओम जो पाम पुष्पम वेद पुष्पान बजावाहन बजबान भवते चंद्रमा पापां पुष्पः पुष्पान बजावाहन बजबान भवते यदेवं वेता आयतनं वेता आयतनवान् भवति। वेदोक्तमन्त्रोपाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रं यथा शक्तिं जप्त्वा समर्प्य प्रार्थ्य देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारण अग्निकार्यप्रवर्तोद अनिज्ञां देहि मे प्रभो धनिज्ञां श्रवजेत्। वज्राज नमः शक्तजे नमः दंडाज नमः खड्गाज नमः भासाज नमः अंकुशाज नमः गदाज नमः त्रिशूलाज नमः पद्माज नमः चक्राज नमः अस्त्रेण संप्रोक्ष्य अनंताज नमः धर्माज नमः ज्ञानाज नमः वैराग्याज नमः ऐश्वर्याज नमः पद्माय नमः पद्मश्वरि वमहा बालाज्ञासनाज नमः बालाग्निमूर्ते नमः बालाग्नजे नमः आचार्यं दत्त्वा वमहा यवनाज्ञासनाज नमः यवनाग्निमूर्ते नमः यवनाग्ने नमः यवनाग्नजे नमः वाक्यं दत्त्वा शिवाज्ञासनाज नमः शिवाग्निमूर्ते नमः शिवाग्नजे नमः वमहा शिक्षरदेवदाभ्यो नमः आत्मदत्त्वाय नमः विद्यादत्त्वाय नमः शिवदत्त्वाय नमः आज्यं निरीक्षणाभिशोध्य संहितामन्त्रेण सम्पूज्य बालाग्ने स्वाहा बालाग्नजे स्वाहा हिरण्यायै स्वाहा गणगायै स्वाहा रक्तायै स्वाहा सुप्रभायै स्वाहा अतिरिक्तायै स्वाहा भगरूपेभ्यः स्वाहा यवनाग्न्या यवनाग्नजे स्वाहा हिरण्यायै स्वाहा गणगायै स्वाहा रक्तायै स्वाहा सुप्रभाय स अतिरक्ताय स भगरूपेभ्य स्वाहा वल्लीमस्त्रेण संप्रोक्ष्य कवचेनामुञ्च्या आधारशक्त्यै नमः सिंहासनाय नमः योगासनाय नमः भत्तासनाय नमः मूलासनमूलासन मध्ये ग्लां ग्लौं किं गणपत्यासनाय नमः शीतला महामार्यम्बिकामूर्तये नमः भीमरुद्राण्यासनाय नमः सूर्याब्जाल्लोचनं मनसकोटिरस्तं महानागेन्द्रानुसुन्दरं गजगाम्भोजेऽङ्कुशम्पातकं दन्तं मञ्जरट्टद्वये मेखला मालालङ्कृतमध्यमं भजे अनुरमणिनिभाङ्गाग्निकेशां करण्डं डमरुकृतशूलं खड्गहस्तां कपालम् अनल नयन नागम आसनम पद्मपीठम अखिल भुवन माता शीतला देवी मीडे ग्लां ग्लौं गं गणपते नमः ऐं श्रीमते महामारिम्बिका नमः वनिमध्ये विद्यादेघनेत्राभ्या नमः गणपति किं वदामहे कविञ्ज वैलापपत्रवत्तमां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान सन्वन्नोदिभिः दधाजन तामग्निवर्णां तपसाञ्जुलन्तीं वै रोजने कर्म बले दुष्टाः ग्लां ग्लौं गं गणपते नमः शीतला महामारि भीमरुद्राण्यं वनिमध्ये मूलेनावाक्य अवागन तापन खनिजान सनिरोधन दिद्बंधन अवगुंडन कालत्रिय तेन मुद्रां पाशांगुश मुद्रां योनि नमस्कार मुद्रां दर्शयित्वा आत्मदत्त विद्यादत्त शिवदत्त नमः पीठशक्त्यासना प्रथमावरण द्वितीयावरण चतुर्थावरण पंचमावरण सखिताय ओं ग्लां ग्लौं गं गणपते नमः शीतला महामारिम्बिकाजे नमः भीमरुद्राण्यै नमः मूलेनावाक्यावागणार्घ्यं दत्त्वा आहुतिं गुणेति ओम हा अनंतासनाय स्वाहा सिंहासनाय स्वाहा योगासनाय स्वाहा विमलासनाय स्वाहा गं गणपते स्वाहा गं गणपते स्वाहा महामारिम्बिकाय स्वाहा शीतला महामारिम्बिकाय स्वाहा शीतला महामारिम्बिकायै स्वाहा ओम भीमरुद्राण्यै स्वाहा गं गणपते स्वाहा शीतला महामारिम्बिकायै स्वाहा भीमरुद्राण्यै स्वाहा गं सद्विषद्वसरं दलद्वसद्दोदावेदृदोषद्वसद्दृषद्वसदोदा रोजा रुदधा धृदा रथं मृगस्वाहा
गोचारु तथा अद्रजारु दम्रग स्वाहा गोचारु तथा अद्रजारु दम्रग स्वाहा सर्वे आचार्यः मूढमन्त्रेण यदाशक्तिर्वाहुने जनानां त्वा गणपतिगं भवामहे गमं कवीना भवश्रवस्तवम् येतदाजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान सुन्नन्नोदिभिस्सीदसादना विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहे तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां ग्लौं गं गणपतये वरवरदनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीमद्ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहे तन्नो महामारी प्रचोदयां स्वाहा श्रीमद्ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सिंहध्वजाय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयात् स्वाहा सिंहध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयात् स्वाहा सिंहध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयात् स्वाहा सिंहध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहे तन्नो महामारी प्रचोदयां स्वाहा ॐ सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहे तन्नो महामारी प्रचोदयां स्वाहा सिंहध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयां स्वाहा सिंहध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयां स्वाहा मूलमन्त्रेण यदाशक्तिर्वाहुनेत् प्रधानाचार्यः अक्षतानादाय शुक्लाम्बरधरं वड्डं सदिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवजलं ध्यादेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवःश्वरो ममोपाक्त समस्त दुरितक्षेद्वार पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अद्य पूर्वोक्त एवं गुणसकलपटेन प्रतिष्ठायाम् अस्यां वर्तमानायाम् इदानीं महामार्यम्बिका महामार्यम्बिका आलय अट्टपलधन महाकुम्भाभिषेक महाशान्तिक महामङ्गलकर्मणि विषेटदाः तुरीयकालयागशाला पूजा मध्ये बिम्बदोषनिवृत्त्यर्थं स्पर्शाहुतिपूजाय महामङ्गलकर्मकारयिष्ये अक्षतानुतरदोणरस्य अपौपस्पृश्य प्रधानाचार्यः शान्तिकुम्भमश्रयिनाशं प्रोक्ष्य कपदे नावगुण्य अनन्ताज नमः धर्माज नमः ज्ञानाज नमः वैराग्याज नमः ऐश्वर्याज नमः पद्माज नमः वक्षस्योर्ध्वे ॐ हां पाशुपतास्त्रासनाज नमः पाशुपतास्त्रमूर्तये नमः पञ्चवक्त्रं महागौरं दशभागं त्रिलोचनं विकृतं भास्वरं चोग्रं कृष्णभिङ्गोर्ध्वकेशकं खड्गकेटकनाराजं धनुःसूत्रं कमण्डलं शक्तिं त्रिशूलं परशं ब्रह्मदण्डकरान्वितं पाशुपतास्त्राज नमः ॐ श्रीं पं सं वं पट् पाशुपतास्त्राज नमः बाह्य आवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने दिग्बन्धनावकुण्ठनदालत्रे धेनुमुद्रां दर्शयित्वा पाद्याचमनाज्ञानि दत्त्वा स्नानाद्युपचाराणि विदाजे दिव्यगन्धाक्षतैरध्यज्य आचार्यः पाशुपतास्त्रं मूलमन्त्रं जप्त्वा ॐ श्रीं पं सं वं पट् पाशुपतास्त्राज नमः ॐ श्रीं पं सं वं पट् पाशुपतास्त्राज नमः ॐ श्रीं पं सं वं पट् पाशुपतास्त्राज नमः जपं समर्प्य कुण्डमध्ये अश्रयिनाशं प्रोक्ष्य मध्ये शान्तिदकरादी नमः पूर्वे शान्तिकलादी नमः दक्षिणे विद्याकलादी नमः पश्चिमे निवृत्तिकलादी नमः
नाभो ओम ह्रीं क्रिजाशक्तये नमः ओट्टे ओम हां नादब्रह्मणे नमः नाडीं संधाज संधानार्थं मूलेन आहुतित्रयं दद्वा ऐं ह्रीं श्री महामार्जम्बिकादी स्वाहा 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 कुंडमध्ये अश्रयना संप्रोक्ष्य तपचे नाभ कुञ्च्य आधारसक्तये नमः अनंतासनाय नमः सिंहासनाय नमः योगासनाय नमः पद्मासनाय नमः पद्मासनस्योर्ध्वे आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मासनाय नमः आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्ममूर्तये नमः आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे नमः आवाह्य आवाहनादि अर्घ्यं दत्वा आहुतित्रयं मुद्वा आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे स्वा आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे स्वा आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे स्वा अधिपादि क्रियाशक्तये स्वा ओम ब्रह्मणे स्वा यथाशक्तिर्वाहुनेत् देविवक्षे प्रधानाचार्यः स्वामूर्त्यधिपादि धारिकादी नमः वह्निमूर्त्यधिपादि दीप्तिमती नमः यजमानमूर्त्यधिपादि उग्रादी नमः अर्कमूर्त्यधिपादि ज्योत्स्नादी नमः जलमूर्त्यधिपादि चेतनादी नमः वायुमूर्त्यधिपादि बलोत्कटी नमः इंद्रमूर्त्यधिपादि धात्री नमः आकाशमूर्त्यधिपादि विभक्ती नमः आवाह्यं दत्वा मंत्रेणाम ओम हां आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे नमः आवाह्य आवाहनादिर्यं दत्वा समस्तोपचारान् समर्पयामि पृथ्वीतत्त्वाधिपतये श्रीकंठाज नमः जलतत्त्वाधिपतये जलेशाज नमः अग्नितत्त्वाधिपतये तुषां नदये नमः वायुतत्त्वाधिपतये मातरिश्वे नमः व्योमतत्त्वाधिपतये सूक्ष्माज नमः गंधतत्त्वाधिपतये गंधांगाज नमः जलतत्त्वाधिपतये जलदाज नमः रूपतत्त्वाधिपतये भानुमते नमः परसतत्त्वाधिपतये बलवक्त्राज नमः शब्दतत्त्वाधिपतये सुक्ष्मनादाज नमः उपसतत्त्वाधिपतये गणानन्दाज नमः वायुतत्त्वाधिपतये तूर्णकृते नमः ओम हां पादतत्त्वाधिपतये रमणाज नमः पाणितत्त्वाधिपतये सामदाज नमः वाक्तत्त्वाधिपतये दुन्दुभजे नमः नासादत्त्वाधिपतये विलुम्बकाज नमः दिक्पादत्त्वाधिपतये महावक्त्राज नमः चक्षुस्तत्त्वाधिपतये प्रकाशकाज नमः तक्तत्त्वाधिपतये सर्वांगाज नमः श्रोत्रतत्त्वाधिपतये व्योमचरणे नमः मनस्तत्त्वाधिपतये संकल्पाज नमः अहंकारतत्त्वाधिपतये अहंकृते नमः बुद्धितत्त्वाधिपतये बुद्धजे नमः प्रकृतितत्त्वाधिपतये प्रधानकाज नमः संपूज्य अर्घ्यं दत्त्वा किञ्चित् ब्रह्मभाव संयोज्य हर नम पार्वती पदे हर हर महादेव அன்புசார்ந்த பக்த மயன்பர்களே சிவனேச்சர்வர்களே எல்லாம் வல்ல அன்னை ஸ்ரீ மகாமாரியம்மனுடைய தரிப்பெரும் கருணையினாலே நான்காம் கால யாகசாலை பூஜையானது துவங்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நான்கு கால அருட்சக்தியை பட்டு நூல் கயிறு வாயிலாக மகாமாரியம்மனுக்கு மூன்று முறையாக சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் பிரம்மபாகம் விட்டுபாகம் மகேஸ்வர பாகம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று வகையான அருட்சக்திகளை யாகசாலையிலிருந்து இப்பொழுது நாடி சந்தானமாக உயிர் கொடுத்த நிகழ்ச்சியானது நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அன்னை ஸ்ரீ மகாமாரியம்மனுக்கு பஞ்சாமிர்தம் பால் தயிர் போன்ற திரவியங்களை கொண்டு அபிஷேக ஆராதனை வழிபாடுகள் ஐந்து மணி அளவிலே நான்காம் கால யாகசாலை பூஜையினுடைய மகா பூர்ணாகுதி யாத்ராதான மகா சங்கல்பம் தொடர்ந்து மூலஸ்தான மகாமாரியம்மன் மேலே கோபுர கலசம் அட்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி பெருவிழா எளிதே நடைபெற திருவர்கள் கூட்டி வைத்துள்ளதால் மெய்யன்பர்கள் அனைவரும் விரைவாக ஆலயத்திற்கு வருகை தந்து நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகளை எல்லாம் தரிசித்து மகாமாரியம்மன் திருவருள் பெற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். ஓம் आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे स्वाम अधिपादि क्रियाशक्तये स्वाम I give
महान
संपूज्य मूर्ति मूर्ति ईश्वरान संपूज्य प्रत्येक महादेव भगवान ओम ऐं विठ्ठलेश्वर 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 समिदा मंत्रेण यदा शक्तिर्वाहुणे पश्चादे शांति
Thank you.
அலங்காரத்தாழை பணிந்திடுவோ. ஸ்ரீம் கிரீம் கிளீம் க்ளோம் கங்கரபதரே பரவத சர்வஜனமே அவதாரய ஸ்வாஹா. ஸ்ரீம் கிளீம் க்ளோம் கங்கரபதரே பரவத சர்வஜனமே அவசமானய ஸ்வாஹா. ஸ்ரீம் கிரீம் கிளீம் க்ளோம் கங்கரபதரே பரவத சர்வஜனமே அவதாரய ஸ்வாஹா. ஸ்ரீம் கிரீம் கிளீம் க்ளோம் கங்கரபதரே பரவத சர்வஜனமே அவசமானய ஸ்வாஹா. கங்கரபதரே மூல ரூபாயே ध्वजाय विद्महे शूलास्ताय धीमहि महावारे प्रचोदयाम स्वाहा. ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलास्ताय धीमहि महावारे प्रचोदयाम स्वाहा. ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलास्ताय धीमहि महावारे प्रचोदयाम स्वाहा. सिंहध्वजाय विद्महे शूलास्ताय धीमहि महावारे प्रचोदयाम स्वाहा. ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलास्ताय धीमहि महामारी प्रचोदयाम स्वाहा. ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि महामारी प्रचोदयाम स्वाहा. शीतलेत्तम जगन्मादा शीतलेत्तम जगत्पिता शीतलेत्तम जगत्तात्री शीतलाजे नमो नमः स्वाहा. जगन्मादा शीतलेत्तम जगत्पिता शीतलेत्तम जगत्तात्री शीतलाजे नमो नमः स्वाहा. ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा. ओम या देवी सर्वभूतेषु क्रियारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा. या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा. तन्मयेशाय विद्महे वाक्शुद्धाय धीमहि शिवप्रचोदयात् स्वाहा. ओम तन्मयेशाय विद्महे वाक्शुद्धाय धीमहि शिवप्रचोदयात् स्वाहा. केशाय विद्महे वाक्शुद्धाय धीमहि शिवप्रचोदयात् स्वाहा. ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि ब्रह्मप्रचोदयात् स्वाहा. ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि ब्रह्मप्रचोदयात् स्वाहा. ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि ब्रह्मप्रचोदयात् स्वाहा. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा. वासुदेवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि वाणी प्रचोदयात् स्वाहा. ओम वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि वाणी प्रचोदयात् स्वाहा. ओम वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि वाणी प्रचोदयात् स्वाहा. गाद्याजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा. ओम गाद्याजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा. ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा. ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा. ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा. ओम षडाननाय विद्महे शक्तिगस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्द प्रचोदयात् स्वाहा. ओम षडाननाय विद्महे शक्तिगस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्द प्रचोदयात् स्वाहा. ओम षडाननाय विद्महे शक्तिगस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्द प्रचोदयात् स्वाहा. गणाम्बिकायै विद्महे महातपायै धीमहि तन्नः गौरी प्रचोदयात् स्वाहा. गणाम्बिकायै विद्महे महातपायै तन्न गौरी प्रचोदयाम स्वाहा. स्वध्वजाय विद्महे भक्तगस्ताय धीमहि
तन्न सूर्य प्रचोदयाम स्वाहाज विमहे कलानाताज धीमहे तन्न चंद्र प्रचोदयाम स्वाहाज विमहे भूमिपालाज धीमहे तन्न कुज प्रचोदयाम स्वाहाज विमहे इंदुपुत्राज धीमहे तन्न सौम्य प्रचोदयाम स्वाहाचार्याज विमहे सुरश्रेष्ठाज धीमहे तन्न गुरु प्रचोदयाम स्वाहाज विमहे भृगुसुधाज धीमहे तन्न शुक्र प्रचोदयाम स्वाहा शनिश्चराज विद्महे सूर्यपुत्राज धीमहि तन्न मंद प्रचोदयाम स्वाहा सुखदंताज विद्महे उग्ररूपाज धीमहि तन्न राग प्रचोदयाम स्वाहा चित्रवर्णाज विद्महे सर्परूपाज धीमहि तन्न केद प्रचोदयाम स्वाहा धनुर्धराज विद्महे सर्वसिद्धेज धीमहि तन्न धरा प्रचोदयाम स्वाहा आदित्याज दशोभाज मंगलाज बुधाज शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम धनुर्धराज विद्महे सर्वसिद्धेज धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् स्वाहा ओम धनुर्धराज विद्महे सर्वसिद्धेज धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् स्वाहा दशवदनाज विद्महे ज्वालामालाज धीमहि तन्नो पराशक्ति प्रचोदयाम स्वाहा ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधाम्बृक्षां प्रयच्छ स्वाहा ओम व्योम व्योमाय विद्महे सूक्ष्म सूक्ष्माय धीमहि तन्नो व्योम प्रचोदयात् स्वाहा ओम व्योम व्योमाय विद्महे सूक्ष्म सूक्ष्माय धीमहि तन्नो व्योम प्रचोदयात् स्वाहा ओम सुदर्शनाय विद्महे हेमज्वालाय धीमहि तन्न चक्र प्रचोदयाम् स्वाहाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्न चक्र प्रचोदयाम् स्वाहा सुदर्शनाज विद्महे महाज्वालाज धीमहि तन्न चक्र प्रचोदयाम् स्वाहा ओम प्रस्पुर गौर गौर धर रूप प्रचटाजगाजोरात्रुंभ स्वाहा प्रस्पुर गौर गौर धर पतन रूप प्रचटाजगाजोरात्रुंभ स्वाहा प्रस्पुर गौर गौर धर रूपतन रूप प्रचट प्रचट ओम क्लीम कृष्णवाससे महावदने महाभैरवे सर्वशत्रुकर्म विध्वंसिनी परमन्त्रच्छेदिनी सर्वभूतदमनी सर्वभूतान् बन्धबन्ध सर्वविघ्नान् चिन्धिचिन्धि सर्वव्याधि निकरन्द निकरन्द सर्वदुष्टान् भक्ष भक्ष ज्वालादीप्ते परालवक्त्रे परालदंष्ट्रे प्रत्यङ्ग्रे ह्रीं स्वाहा ओम कृष्णवाससे ब्रह्मवदने महावदने महाभैरवे सत्रकर्म विद्वंसिनि परमन्त्रच्छेदिनि सर्वभूतदमनि सर्वभूतान् बन्धबन्ध सर्वविघ्नान् चिन्धिचिन्धि सर्वव्याधि निगरन्द निगरन्द सर्वदुष्टान् भक्ष भक्ष ज्वालादीप्ते करालवक्त्रे करालदंष्ट्रे प्रत्यङ्ग्रे ह्रीं स्वाहा ओम क्लीम कृष्णवाससे सिंहवदने महावदने महाभैरवे सर्वशत्रुकर्म विद्वंसिनि परमन्त्रच्छेदिनि सर्वभूतदमनि सर्वभूतान् बन्धबन्ध सर्वविघ्नान् छिन्धिछिन्धि सर्वव्याधि निगरन्द निगरन्द सर्वदुष्टान् भक्ष भक्ष ज्वालादीप्ते करालवक्त्रे करालदंष्ट्रे प्रत्यङ्ग्रे ह्रीं स्वाहा ओम रह शिवास्त्राय हुम पट स्वाहा ओम
रह शिवास्त्रायं पट स्वाहा। ओम रह शिवास्त्राय हुं पट स्वाहा। ओम रह शिवास्त्रायं पट स्वाहा। ओम ईशानमूर्ताय उमाजे स्वाहा। शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। पुरुषवक्त्राय स्वाहा। पुरुषवक्त्राय गौर्ये स्वाहा। अघोरहृदयाय शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। अघोरहृदयाय गंगाजे स्वाहा। शीतला महामार्ये स्वाहा। वामदेव्याम्बिकाजे स्वाहा। शीतला महामार्ये स्वाहा। सद्योजातमूर्ते गणाम्बिकाजे स्वाहा। शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। प्रजाय वामिन्ये स्वाहा। शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। शिरसे नीलिन्ये स्वाहा। शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। चक्रिन्ये स्वाहा। शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। तपसाय कज्जिन्ये स्वाहा। शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। अस्त्राय काम्बिन्ये स्वाहा। शीतला महामार्यम्बिकाजे स्वाहा। ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहे तन्नो मारी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहे तन्नो वाणी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जाजवेद देश नवाम सोममराति यतो नितः दिवेदः क्षणप्र दुर्गा निविश्वा नावे वसन्तन्दुरिदा दग्नजे स्वाहा। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ति वैरोचने कर्म बले सुजुट्टा। दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपत्ये सुदर्शनरसे नमः स्वाहा। अग्ने त्वं पारयानं व्यो अस्मान् स्वस्ति भरति दुर्गा निविस्वाहा। पोष पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा दोकाज तनयाज संयो स्वाहा। विश्वानि नो दुर्गा जादवे दस्यन् दुन्दनावा दुरिताति परिषि स्वाहा। नाशिकमेद्योद्वरे सुजना च होतानव्यस्वजस्ति स्वाञ्जाग्ने दलवं विप्रय स्वास्बब्दन्दसो भगमाजदस्व स्वाहा। ज्येष्ठमयुजो निषित्तं तवेन्द्र विष्णोरण सञ्चरेम। नागस्य भृट्टमपि संवसानो वैत्यमिल्लोक जगबालयन्तां स्वाहा। अत्याजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयां स्वाहा। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमे प्रियं वासयमे कुले मातरं भक्तमालिनीं स्वाहा। देवी च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयां स्वाहा। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनी वदी आनो दिवो बृहद पर्वदादा सरस्वती यजदा गन्ध वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि वाणी प्रचोदयात् स्वाहा। हिरण्यभागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः स्वाहा। ॐ नमस्ते अस्तु भगवनेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः स्वाहा। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। அன்புசார் இந்த பக்தமயன்பர்களே சிவனேச்சரவர்களே மகாமாரி அம்மனுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே நாமெல்லாம் அவரோடு எதிர்பார்த்திருந்த அட்டமந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழாவானது இன்னும் சில மணித்துறையின் விட போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கூணம்பட்டி ஆதியன திருமடம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சா நடராஜ சுவாமிகள் அவர்களுடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்துடன் நடைபெற உள்ளது. அதன் அங்கமாக நான்காம் கால யாகசாலை பூஜையினுடைய மகா பூர்ணாகுதியானது போல நடைபெற உள்ளது. பூர்ணாகுதி உபஜார வழிபாடுகள் நடைபெற்று கலசங்கள் புறப்பட்டு முதலாவதாக மேலே கோபுர கலசத்திற்கு மகா கும்பாபிஷேகம், அதனைத் தொடர்ந்து கன்னிமூல விநாயகருக்கு கும்பாபிஷேகம், தொடர்ந்து உள்ளே சிங்கவாகனம் விநாயக பெருமான கும்பாபிஷேகம், நிறைவாக அன்னை ஸ்ரீ மகாமாரியம்மனுக்கு நமது போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கூணம்பட்டி ஆதீன திருமடம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சா நடராஜ சுவாமிகள் அவர்கள் திருக்கரங்களினாலே ஸ்ரீ மகாமாரியம்மனுக்கு அட்டமந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா இனிதே நடைபெறுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது மூன்று கால மகாபூர்ணாதிக்கு எப்படி எழுந்து நின்று இறைவனை வழிபட்டோமோ அதே போல் நான்காம் கால மகாபூர்ணாதியும் இப்பொழுது நடைபெறுள்ளது. அனைவரும் எழுந்து நின்று இறைவனை தரிசிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு பூர்ணாகதியை துவங்குகின்றோம்.
ओम ताम अग्निवर्णाम तपसां ज्वलन्तीं वैरोजने कर्म बले दुदुष्टाः दुर्गां देवीगं चरणमगं प्रपत्ते सुधर सिधर से नमः ओम पूर्णागुदिमत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेव प्रोदे अयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते ओम ऐं ह्रीं श्रीं महावारी अम्बिकादेवी ओम षट् महागणपति मौषिक सर्पदेवताभ्यो परिवार देवताभ्यो ओम षट् हर नम पार्वती ओम शक्ति हर हर महादेव ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भार्भवस्वस्वाहा प्रायस्तितं प्राणायामं अतिदेन मग्गस्ताः अतिदेन मग्गस्ताः परस्तदेन मग्गस्ताः विध प्रासावी वटिश्रमूर्तिर्म अधुपदीप नैवेद्यादिकं दत्त्वा ओम दोरसि दोर्व धोर्वल्दं दोरदं योऽस्माल् धोर्वदिदं धोर्व वयं वयं दोर्वामत्तं देवानामथे शुभमाग्रा भजामि प्रत्यक्षेण दीपं दर्शयामि भोर्भवस्वाहा अमृतोपहारं गुलान्नं निवेदयामि निवेद्यानन्तरं महतोनीजं समर्पयामि सर्वस्याब्जे सर्वसदब्जे दिव्यमंगल कर्पूरणीराञ्जनं दर्शयामि भवाये दश राज्यमादत्तेजो राजा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी मातृका वर्णरूपिणीं बलिं प्रदायाम् पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे विष्णवे स्वाहा दक्षिणे रुद्राज स्वाहा उत्तरे आनंदाज स्वाहा पूर्व मेघलायां इंद्रादिभ्य स्वाहा अधो मेघलायां वज्रादिभ्य स्वाहा तत्स्थाने अर्घ्येद्वां लाजपुष्पकुशाक्षतां गृहीत्वा संयोजनं कुर्याते यज्ञेन यज्ञमयजल्तदेवाः तानि दर्वाणि प्रदभान्यासन्ने देहनागं महिमानः सदल्ते तत्र पूर्वे साध्यासन्तदेवाः चरणं नास्ति त्वमेव चरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी ूजासम इंद्रस्वामेन पञ्चसेन वेदिकायां धूपदीप नैवेद्यादिकं दत्त्वा दशद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धव्यमनोहरं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता वेदिकायां धूपधूप नैवेद्यादिकं दत्त्वा नैवेद्यं गुलान्नम् अमृतोपहारं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ सर्वस्याब्जे सर्वसदब्जे सर्वमेव देवाः सर्वभाग्यम् हर 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 आदि पराशक्ति की हर हर सर्वमंगल सर्वभाग्यम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा धरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हर नम पार्वती पदजे हर हर महादेव बृहत्साम क्षत्रपृद्वृद्धपट्टिजम् सुवदमग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वाजेन सकलेन रक्षां रक्षां धारयामि
ईशानमूर्धनाय उमादी नमः सर्वत्राय गौर्जी नमः अनोरहदयाय गंगादी नमः चाम्बिकायै नमः सद्योजातमूर्तये गणाम्बिकादी नमः ईशानमूर्ते उमायै स्वधा सत्रदक्त्राय गौर्जी स्वधा अनोरहदयाय गंगायै स्वधा वामदेवकुशाय अम्बिकादी स्वधा सद्योजातमूर्ते गणाम्बिकायै स्वधा ॐ योभां पुष्पं वेदं पवान भजावाहन भजवान् भवदे चंद्रमा वा अपां पुष्पं पवान भजावाहन भजवान् भवदे देवं वेदं योपामाजदनं वेद आजदनवान् भवति संवत्सरो वा अपामाजदनम् आजदनवान् भवदे यः संवत्सरस्याजदनं वेद आजदनवान् भवदे आपो वि संवत्सरस्याजदनम् आजदनवान् भवदे देवं वेदं योऽर्चनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ऐं ह्रीं श्री महामार्जम्बिकादी नमः वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमर्तितं श्रीमयूरादिरूढं षड्वक्त्रं देवनाथं मधुरिपुतनया वल्लभं द्वादशाक्षं शक्तिं बाणं कृपाणं ध्वजमपि जगदा साभयं सव्यहस्तैः शापं वज्रं सरोजं गडगमभिवरं शूलमन्यैर्ददानं कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलारुणाभं स्कन्दं भुजध्वजमनामयमेकवक्त्रं कात्यायनी सुदमहं कडिबद्धवामं कौबीनदक्षिणास्तमीडे त्रिचित्रम्बलं नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव புலிஜர்கோன் வெப்பொலித்த புகலிஜர்கோன் கலல் போற்றி ஆலிமிசை கல்மிதப்பில் அணிந்தபிரா நடி போற்றி வாலி திருநாவலூரர் வன் தொண்டர் பதம் போற்றி ஊலிமலி திருநாவலூரர் திருத்தால் போற்றி போற்றி திருவாக்கும் செய்கரமம் கைகூட்டும் செஞ்சற்பெருவாக்கும் பீடம்பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் காதலால் ஆணவகத்தானை காதலால் கூப்புவர்தம் கை தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தலவரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா ஜனம் தரும் நல்லன ஜெல்லாம் தரும் அன்பு என்பவர்க்கே கனம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே வான் மகிழ்வலாது பெய்க மனுபலம் சிறக்க மன்னன் கோன்முறையரசு செய்க குருவிடாதுவீர்கள் வாழ்க நான் மறை இரங்கல் நோங்க நல்தவம் வேல்யுமல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்க உலகமல்லா மரணவ பார்வதி பதகேவர்களே அருட்சக்தி எப்படி ஆலயத்திலிருந்து யாகசாலைக்கு அழைத்து வந்தோமோ அதே போல் யாகசாலையிலிருந்து ஆலயம் செல்லும் வரை எவ்வித தடையின்றி சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பிரார்த்தனை எல்லாருமே இந்த பிரார்த்தனையில கலந்துக்கலாம் தலையில் அஞ்சு தடவை கூட்டிங்கிறாரு சொல்ற மந்திரத்தை மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிங்க சுக்லாம்பரதரம் விட்டம் சிவர்ணம் ததுர்பஜம் பிரசன்னவதலம் ஜாதே சர்வவிக்லோம் சாந்ததே அமிர்தம் பிரம்மா பூட்பவசவரோம் இடது கை கீழே வச்சு வலது கை மேலே வச்சுங்க சொல்லுங்க அப்படியே மமோபாக்த சமஸ்த துரித கஜத்வார ஸ்ரீ பார்வதி பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் அத்யபூர்வோக்த ஏவங்குண சகல விடேன விசிஷ்டாஜாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாஜாம் தேவி தேவ்யாஹ ஜகஜனன்யாஹ பராபட்டாரிகாஜாஹ சதாமர ரமாவாணி சவேத கிணதேவிதாஜாஹ இச்சாஜான கிரியாத்மிகாஜாஹ ஸ்ரீமதி ஜெகதம்பிகாஜாஹ ஆலயஸ்ய அட்டபந்தன மகாகும்பாபிடேக மகாசாந்திக மகாமங்களகர்மணி விடேடதாஹ கலசாது யாகாலயாத் மூலாஜம் பிரவேசகாலே திதி தேவதா வாரதேவதா அஜலதேவதா லக்னதேவதா ஆதித்யே சோம அங்காரக புதே பிரகஸ்பதி சுக்ரே சனைஸ்தர ராகுகேதூனாம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதா பரிபூர்ண பிரசாத சித்தியர்த்தம்
आदित्यादि नवग्रह देवता आनुकूल्यता प्राप्त्यर्थं यत्किञ्चित् गुरुमार्गेण महाकुम्भावटेककार्यार्थम् आरम्भादि असमाप्तिपर्यन्तं निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं यत्किञ्चित् हिरण्यधानं करिष्ये अक्षतानुत्तरदोणिरस्य ॐ यदग्निं पूर्वगं हरत्यथाग्निहोत्रं बागधेदे नैवैनं प्रणयति ब्राह्मणारुषेजमुद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति नमस्सदसे नमस्सदसस्पदे नमस्सकीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नम प्रदीप्यैषदेवो ने मजा समर्पितां इमां सवर्णिं यत्किञ्चित् हिरण्यदानं करिष्ये सर्वाभिर्तदा सिद्धिरत्तु ॐ गौरीमिमाजसलिलाणिदत्तत्येकपदे दिवदि चादनुत्पदे अष्टावधे नवपदे बभूमते सहस्राक्षरा परमे व्योमन्ने एकदन्दाय विद्महे वक्रदुण्डाय धीमहे तन्नो दन्दि प्रचोदयात् महागणपति भीमरुद्राणि शीतला महामारिम्बिकाय नमः कर्पूरनीलाञ्जनं दर्शया मे नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर 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 ऐश्वर्याधर्मः पद्माधर्मः पद्मस्य ऊर्ध्वे स्थूललिङ्गस्य उपादे
महामारी अंबिका सनाज नमः सूर्यलिंग सर्वपाद महामारी अंबिका मूर्तये नमः सूर्यलिंग सर्वपाय महामारी अंबिकाय नमः ईशान मूर्धाय उमाय नमः मूर्धये सत्पुरोक्ताय गुर्धे नमः उत्तरे अघोर हृदयाय गंगाय नमः हृदये वामदेव शांतिकाय मनाभौ सद्यो जालमुत्ते ग्रामिकाय नमः पादयोः शांति दिवाय नमः मूर्धनि शांतिकराय नमः उत्तरे विद्याकराय नमः हृदये सुदक्षाकराय मनाभौ निवृत्तिकराय नमः पादयोः ऐं श्रीं ह्रीं स्वर्णलिंग शीतला महावाजंबिकाय नमः गर्भांगेषु अरुणमणि भांगं अग्निकेशां करंडं डमरुकृतशूलं गद्गहस्तां कपालं अनरणयरणाकं आदनं पद्मपीठं अखिल भुवनमाता शीतला देवी रूपं ऐं श्रीं ह्रीं शीतला महावाजंबिकाय नमः विद्यादेवी नेत्राभ्यां नमः गौरी मायद्रक्षेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी वोषी दहद्र अक्षरा परमे व्योमन् ऐं श्रीं ह्रीं त्रिलिंग महावाजंबिकाय नमः वाच्यां आवाहनाय धैर्यमुद्रां गृहीत्वा अर्घयित्वा लयानुभ्यर्च आद्वोत्तरध्यात्तशत्वादिपदी ऐं श्रीं ह्रीं त्रिलिंग महावाजंबिकाय नमः प्रथमावरणादि पञ्चमावरणदेवताभ्यो नमो नमः आवाच्य आवाहनादि धैर्यमुद्रां गृहीत्वा अर्घयित्वा नैवेद्यादिकं दत्वा मणिः ओम सच्चिदानन्द ओम सच्चिदानन्द
ओम जय देव पराशक्ति 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 ओम जय देव Oh,
இன்னைக்கு குளம்பாளத்து குமாரி நடக்குது, சாமி வராரு,
ஆசீர்வாதம் பண்ண போறாரு, அன்னதானம்லாம் போடுறாங்க, 12 வருஷத்துக்கு ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்க. பார்க்கணுங்கிற ஒரு சிந்திக்கின்ற ஆற்றல் இருக்கு பாருங்க, அதான் அறிவு என்று சொல்றோம். அந்த 6வது அறிவி மனிதனுக்கு இறைவன் படைத்திருக்கின்றான். அதுக்கு நாம் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய நன்றிக்கடை என்ன கேட்டால், நாம் செய்கின்ற வழிபாடுகள், நாம் செய்கின்ற பூஜைகள், இது போன்ற கும்பாபிஷேகங்களுக்காக நாம் கொடுக்கக்கூடிய நன்கொடைகள், இந்த நன்வினைகள் நம்முடைய பரம்பரையும் காப்பாற்றும், நம்முடைய வாரிசுகளையும் காப்பாற்றும் சொல்றாங்க. இன்னைக்கு எத்தனை ஜோசியர் சொல்றாங்க, இன்னைக்கு குலதெய்வ தோஷம் இருக்குங்கிறாங்க, சுமக்கிரி தோஷம் இருக்குங்கிறாங்க, பூர்வீக தோஷம் இருக்கு, வீட்டில் பூர்வீக வீட்டில் இருக்காதேன்னு சொல்றாங்க, பிதிரி தோஷம் இருக்கு, ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வாங்குறாங்க. எத்தனை பேர் எத்தனை கேட்டு போயிட்டு வரலாம். இறை வழிபாடு ஒன்றே நமக்கு முக்தி பெற்றை தரும் என்று சொன்னார். நல்வினையை அடைவதற்கு நாம் செய்கின்ற இறை வழிபாடு செய்து வந்தோமேனா அதுவே பொருமானது என்று சொன்னார். எத்தனை பேர் ராமேஸ்வரம் போயிட்டு தான் பிதிரி தோஷம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஜோசியர் பார்த்து. அதனால ராமேஸ்வரம் போய் திரவ ஹோமம் பண்ணிட்டு வந்தேங்கிறாங்க. வீட்டில் சுமக்கிரி தோஷம் இருக்குங்கிறாங்க, குலதெய்வத்தை வணங்காதனால குலதெய்வ தோஷம் இருக்குங்கிறாங்க. சில பேர் என்னங்கிறாங்க, பூர்ணீகமே ஆகாதுங்கிறாங்க. எத்தனை பேர் எங்கிட்ட வந்து ஜோசியம் பார்க்குறாங்க, ஜாதகம் பார்க்கமா சாமி பூர்ணீகமே ஆகாதுங்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் கூனப்பட்டி ஆதீனம் வந்து 200-300 வருஷம் ஆச்சு, நான் பூர்வீகத்தை விட்டு நான் எங்கே போகிறது, நான் பூர்வீகத்தில் ஆகாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது நாம் திரும்ப நாம் மாற்றம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ கும்பாபிஷேகம் பண்ணால் சும்மா நாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணிடுமா, கோவிலில் சுண்ணாம்பு அடிக்கிறோம், பெயிண்ட் அடிக்கிறோம், திருப்பணிகளாக செய்கிறோம், 12 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நாம் கோவிலையே நாம் திருச்சி அமைக்கலாம். அதுபோல் நான் வீட்டை புனரத்தானம்னு சொல்லிக்கிட்ட முறையிலே வீட்டை நாம் சுத்தமாக செய்து வைத்துக் கொண்டால் அதுவே பொருமானம். வீட்டை விட்டு நாம் எங்கே போக முடியும், பல இடங்களில் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் கை மாற்றி வாங்கிடுறேன், ஒரு 50 ரூபா கை மாற்றி வாங்குற குரம் பார்த்து சொல்லிட்டேன், அவர் நான் எங்கே மலேசியா தேடி பிடிச்சேங்க கிட்ட வருவார், இந்த வரை விட்டுற மாட்டார், ஏன்னா நான் தான் கடை வாங்கியிருக்கேன் அவர்கிட்ட. அதுபோல் நாம் எங்கே இருக்குமா தேடி வருமே தவிர நம்மளை விட்டு பூர்வீகத்திற்கெல்லாம் நம்ம தோஷம் வருதுங்கிறா நம்ப வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாம் எங்கே இருந்தாலும் நம்மளுடைய தோஷம் நம்மை தொழில் கொண்டு வரது. அதைத்தான் புண்ணிய பாவமே என்று சொன்னார். நாம் செய்கின்ற புண்ணிய பாவமே நல்வினை தீவினை என்று சொன்னார். அப்படி ஒரு காலத்திலே பக்தியே இல்லாமல் இருந்தது, திருநீரை கண்டா பிடிக்காது, நெற்றியை ஊறிட்டவர்களை கண்டா பிடிக்காது, சமண மதத்தவர்கள் இந்த மாதிரி இருந்தாங்க. சமண மதம்னு ஒரு மதம், அந்த மதத்தவர்கள் கடவுளை கண்டா பிடிக்காது, தெய்வ பக்தினா பிடிக்காது, நெற்றியை திருநீர் அணிந்திருந்தா பிடிக்காது, அவங்களை கண்டா பிடிக்காது. அவங்க தன்னுடைய மதத்துக்கு எல்லாரும் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தாங்க. சிவனடியாரெல்லாம் அவங்களுடைய மதத்துக்கு மாற்ற ஆரம்பித்தாங்க. நம்ம பெரியவங்களுக்கு அப்பெல்லாம் சொல்ல தெரியல, திருநீர் நெற்றியில் அணிந்தினாலே என்ன பலன் அவங்க கேட்டாங்க, இவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல. இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, எங்கள் தாத்தா கிட்ட இருந்தாங்க, எங்கள் தாத்தா பார்த்து அப்பா பூசிக்கிட்டு இருந்தார், அப்பா பார்த்து நாங்கள் நெற்றியில் திருநீர் வச்சுட்டு போய் என்ன தெரியலேன்ட்டாங்க. அந்த ஆளுக்கு பார்த்தாங்க, ஓ அப்படியா, நெற்றியில் திருநீர் அணிஞ்சுக்கு உங்களுக்கு சரியான விளக்கம் தெரியல, அந்த சாம்பல் நிறையா பூசுறீங்க இல்லையா, அந்த சாம்பல் பூசினால ஒரு ஆபத்துக்கு தெரியுமாண்ணா, இதை கேட்டோம்னா அவன் பெரியவங்களாம் பயந்துட்டாங்க. ஓ நெற்றியில் திருநீர் இருந்தாலும் எதுவும் பயமெடுக்க மாட்டேங்குன்னு நினச்சிட்டாங்க. அப்படி என்ன அது ஆபத்துனாங்க, நீ நெற்றியில் திருநீர் அழைச்சிட்டு வர அவனுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா. அந்த ஆள் சொன்னார், நெற்றியை திருநீர் நெற்றியில் அழிஞ்சியாருன்னு சொல்லி சொன்னால் உயிரே போனாலும் நெற்றியில் திருநீர் நாங்கள் அழிக்க மாட்டோம், பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வார்த்தை ஒரு ஒழுக்கமாக சொன்னார், ஏன்னா நெற்றியை திருநீர் அணிந்தால் அவ்வளோ ஒரு ஐஸ்வர்யமா. மாணிக்கவாதி பெருமான் சொல்கிறார், எனக்கு யாரை கண்டு பயம் இல்லைங்கிறார், திருடனை கண்டா பயம் இல்லை, குடக்காரனை கண்டா பயம் இல்லை, புற்றில்வாழ் அரபு மஞ்சினம் கொடிய விஷம் நிறைந்த பாம்பை கண்டாலும் பயம் இல்லைனார், ஒரே ஒரு ஆளை கண்டா பயம்னார். யாருன்னா நெற்றியில் நீரிழாதவரை கண்டால் அம்மனா மங்குமார், நெற்றியில் திருநீர் இல்லாமல் ஒரு ஆள் வந்தார்னா அவருக்கு வந்து 10 மீட்டர் கூடனாக இருக்கிறார். அப்போ அந்த திருநீட்டுக்கு எத்தனை மகிமை இருக்கிறது, மந்திரமாவது நீர், மாணவர் மேனது நீர், சுந்தரமாவது நீர், துதிக்கப்படுவது, நெற்றியில் நீர் அணிந்தம் சொன்னால் நிறைய ஐஸ்வர்யங்களை கொடுக்கும். குழந்தைங்க பயந்துட்டுனா வீட்டில் அம்மா தான் என்னங்கிறாங்க, நெற்றியில் ஒரு திருநீர் வைப்பா நல்லா போயிருக்கிறாங்க. அந்த திருநீட்டுக்கு அவ்வளோ ஒரு பரம் இருக்கிறது. நாமெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நிறையா சொல்லி வைக்கிறோம், கரையை எங்கே சொன்னால் காப்பி குடிக்கிறாங்க, காப்பி குடிக்கும்னா திருநீர் நெற்றியில் அணிந்து காப்பி குடின்னு சொல்லலாம். பழுச்சேச்சிட்டு வராங்க இல்லையா, பழுச்சேச்சி வந்து உட்காருமா, அப்பயும் நாம் சொல்ல நெற்றியில் திருநீர் அணிந்து கொண்டு காப்பி குடிப்பேன், நல்ல பழக்கம் தான் இருக்கு. இன்றைக்கி பழுச்சேக்காமே காப்பி குடிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. நெற்றியில் நீர் அணிந்து கொண்டு காப்பி குடித்தோம்னா நல்ல விதமாக இருக்கும். சாப்பாடு சாப்பிடும்போது சாமியை வேண்டிட்டு சாப்பிடலாம், சாமி உண்டாத படைக்கப்பட்டது அதெல்லாம் அவர் கொடுத்ததான், நாம் எங்கே தயார் பண்ணுறேன்னா சுவாமியினாலே படைக்கப்பட்டது அவனுக்கு அனுபவிச்சுட்டு வரோம். அப்படி அவர் கூப்பிட்டு கேட்டார், நெற்றியினாலே திருநீர் அணிந்தினாலே ஆபத்து இருக்கு தெரியுமா, நாங்கள் நெற்றியை திருநீர் அழைச்சிட்டு வரேன் அவனுக்கு சொல்கிறேன். அவர் நான் அழிக்க மாட்டேன்ட்டேன். அப்போ எப்போ அழியினான், நான் குடிக்கும் போது நெற்றியில் இருக்கிற திருநீர் அழியும். சரி நீ குடி, நான் குடிச்சுட்டு எப்படி நான் ரோட்டில் வர்றது, அப்போ எங்கள் வீட்லேயும் வந்து குடி. அதனால் எப்படிலாம் மாத்திரம் இருப்பார் சமண மதத்தவர்கள்லாம், இவர் அவர் வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போனார்.
அவரை பாத்ரூம் குளிக்க வச்சாரு. நேரா கூட்டிட்டு இருந்தாரு கண்ணாடியில முகத்தை பாருங்க. அவர் மேல இருந்து கிழ வரைக்கும் பார்த்தார், ஒன்றும் தெரியலையே. நல்லா தெரிஞ்சு பாரு, நெற்றி பாரு, இப்படிக்குன்னு நெற்றி மாத்திரம் கொஞ்சம் கருப்பாரு. அதான் காரணம் உங்க பாட்டை மோட்டர் இங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்திருப்பாங்க. இந்த சாம்பளை பூசி பூசி அது கருத்து தான் அவங்களாம் செத்து போயிட்டாங்கட்டான். இதை சொன்ன பாட்டு பயிட்டான். ஓ அப்படியா? அதுல இருந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த எட்டில திருநீரெல்லாம் விடுதலை ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மருத்துவர்கள் என்ன செய்தாங்க, சிவரடியார்களை கூட மாத்திட்டாங்களாம். நெற்றியில் திருநீர் இழந்தவங்களாம் திருநீர் இடாமையே போயிட்டாங்க. இதை சரி செய்வதற்காக என்ன செய்தாரு, ஞான சம்பந்த பெருமாவுடைய தந்தையார் பேர் சிவபாரதிகள் இருக்கு. நான் சீக்கிரமா முடிச்சுக்கிறேன், ஏன்னா அடுத்து அன்னதானம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. காலை நேரத்தில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணதே ஒரு பெரிய புண்ணியம். பல இடங்களில் பார்த்தா ஒம்பது வீட்டு பற்றி வைப்பாங்க, ஏன்னா அவங்க சௌகரியத்துக்கு வைப்பாங்க. சாமி எல்லாம் வந்தாராங்க கிராமத்துல எல்லாம் நேரத்தில் வச்சு என்ன பண்ணுறதுப்பாங்க. அந்த பிராமண முகூர்த்தம்ங்கிறது உரிய காலம். காலை ஆறு மணிக்கு கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சவாங்க, எவ்வளவு சிறப்பாக இருப்பார். அம்பாலே மனம் குடித்து உட்காந்துருக்கேன். அடுத்தபடியாக அன்னதான ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனையோ பேருக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கு, சுருக்கமாக முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ஏதாவது சின்ன சுமங்கில தான் எதாவது கேட்க முடியும். அவர் என்ன செய்தார், நெட்டியிலே இந்த ஞான சம்பந்த பெருமாவுடைய தந்தையார் சிவபாரதி இருக்கு. அவர் வெகு நாளாக குழந்தை இல்லை, குழந்தை வேணும்னு அவர் நினைக்கிறார். இந்த அடியார்கள் கூட்டம் அப்படியே குறைஞ்சு கொண்டே போனோம். சிவடியார் கூட்டம்னா சமண மதத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க. இதை பார்த்த உடனே நினைச்சாரா நமக்கு ஒரு குழந்தை வேணும்னு. மனைவியை போய் பார்த்தாரு, மனைவி காய் எரிஞ்சிட்டு இருந்தாராம். காலையில மணி 11 மணி, அந்த அம்மா காய் எரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இவருக்கு நேராக போனார் இந்த அடியாரு, வா கோயிலுக்கு போறாங்க. அந்த அம்மா எதுவுமே பேசல. இந்த காயெல்லாம் அப்படியே போட்டால் நேராக இவர் கூட வச்சுட்டார். வந்த உடனே கொண்டு போய் பின்னால் நிற்க வச்சாரு. பின்னால் நிற்க கதறி அழுகிறார் சாமிகிட்டு. அந்த அம்மா திரும்பி பார்த்தார், இவர் அழுதார் நினைச்சாரு. அந்த அம்மா சாமி கூப்பிட்டு அம்மா போறாங்கன்னு இவர் வச்சான். நம்ம பொம்பளைகள் நினைச்சு பாருங்க, காய் எறியும் போய் நான் போய் கூப்பிட்டா வருவாங்களா முதல்ல? இப்போ எதுக்கு 11 மணிக்கு கூப்பிட்றீங்களா? பயிற்சி கீழ்த்தி முடிச்சு தான் கொடுக்கும். கோயிலுக்கு சில நேரத்துக்கு கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ எதுக்கு கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு நான் பயிற்சி சொல்லியாங்க. அதை விட கோயிலில் பின்னால் கொண்டு போய் நிற்க வச்சுனா பின்னால் அழுதம்னா அப்படி நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுமை பண்ணிட்டேன், எதுக்கு சாமிகிட்டு அழுகிறீங்க? எத்தனை கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த அம்மா ஒரு வார்த்தை கேட்டுனா தான் அந்த அம்மா பொம்பளை. அந்த அம்மா என்ன செய்தாரா, திரும்பி பார்த்தாரா அந்த அம்மா கண்ணீர் வெளித்து அடிந்தாரா அந்த அடியார். அந்த அம்மா என்ன பிரார்த்தனை பண்ணா, இறைவா எனது கடமை நான் எதை நினைத்து நடுத்திலே வேண்டுகின்றாரோ அந்த பலனை நிறைவேற்றி கொள்ளுங்க. அந்த அம்மா பிரார்த்தனை பண்ணான். எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்க பாருங்க. அடியார் எனது கடமை நான் எதை நினைத்து கொண்டே வளர்த்துகின்றாரோ அதை நிறைவேற்றி கொள்ளுங்க. போடாமா வராது வந்துட்டாங்க. அது வரைக்கும் அவர் சொல்லவே ஞான சம்பந்த பெருமான் அவதான ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சொன்னாரா, இந்த குழந்தைக்காகத்தான் அவன் கூட்டிகிட்டு போனேன். எப்பவுமே சாமி கும்பிடும்போது கணவன் மனைவியாக போனால் மனைவியை முன்னாள் நிற்க வச்சு கணவனால் பின்னால் வந்து தரிசனம் பண்ணணும். இதுதான் நம்முடைய அடியார்கள் செவி காட்டின் வழி. கோவிலை சுற்றி பிராகார வளம் வந்தோம்னு சொன்னால் மனைவியை முன்னால் வச்சு பின்னால் வரும். எத்தனையோ வீடு கட்டுறோம், கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறோம், புண்ணியாசனம் பண்ணுறோம். அந்த விளக்கேற்றுறதுக்கு யார் விளக்கேற்றுறாங்க? ஆம்பளைங்களே விளக்கேற்றாங்களா? விளக்கேற்றுக்கு பொம்பளை வேணும் சாமி அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா? எதுக்குன்னா கிரகலைக்கு வீணு பேர். வீட்டு தலைவினா அந்த விளக்கேற்றி பற்ற வச்சு சாமி வழிபாடு பண்ணணும். எவ்வளவு வீடு கட்டினாலும் நம்ம அவங்க தான் வந்து விளக்கேற்றுறாங்க. அப்போ அந்த வீட்டு தலைவியாக இருக்கிறவர்களுக்கு கிரகலட்சுமி இருக்கு, அவ்வளோ அவ்வளோ பவர் இருக்க முடியும். அப்போ என்ன செய்தாங்க, நம்ம மனைவியை மின்னாடி வச்சு சாமி கும்பிட்றலாம். இவர் சாமிகிட்ட பிச்சை கேட்கறாரு, எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை, குழந்தை கொடுங்க. பிச்சை கேட்கற தகுதி தான் இருக்கே தவிர அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி யாருக்குன்னா மனைவி கிட்டாரு. ஒரு பிச்சைக்கான பிச்சை பாத்திரம் வச்சு கேட்குறான், அம்மா தாயை பிச்சை கொடுங்கன்னு. அந்த பிச்சை போடுற பாத்திரத்தை பின்னால் வச்சு கேட்டால் எப்படி கேட்டு போட முடியும்? அந்த பாத்திரத்தை முன்னால் வச்சு கேட்டால் பிச்சை போடணும். அந்த பாத்திரமாக இருப்பது யாருன்னு கேட்டால் மனைவியா, அதை கேட்குறாருனா கணவனா. அதுதான் இறைவனுடைய சன்னிதானத்தில் போய் நிற்கும் போய் சாமி கும்பிடும்போது கணவன் மனைவியாக தம்பதியாக போனீங்கன்னா மனைவியும் முன்னால் வர சொல்லி நாம் சாமி மனைவியை முன்னாடி வச்சு சாமி அப்படின்னா நம்முடைய அடியார்கள் மக்கள்லாம் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துருக்கிறாங்க. அப்படி அடியார்களை பற்றி பேசணும்னா நிறைய பேசிகிட்டே போகலாம். அப்படி நல்வினை அடையும் பொருட்டு மனித பிறவிக்காக நம்முடைய அடியாரூர் மக்கள் நிறைய நமக்கு வாழ வழிகெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த வழியை நாம் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி பார்க்கும்போது நல்வினை அடைய பொருட்கள் நம்முடைய குரம்பாலயத்திலே மிகச்சிறப்பாக அருள்மிகு மாரியம்முடைய திருக்கோயில் கும்பாபிஷேக விழா 2வது முறையாக எவ்வளவு புண்ணியம் பார்க்கணும். 2வது முறையாக நாம் கும்பாபிஷேகம் பார்க்கணும். அப்படி மிக அழகாக சிறப்பாக நம்முடைய மாரியம்மன் ஜெயந்தூரில் நமக்கெல்லாம் அருள்பாலிக்கின்றார். இந்த பகுதியை பொறுத்தவரைக்கும் கிராம தெய்வமாக வருகின்ற மக்களுக்கு அவருடைய குறைகள் எல்லாம் தீர்த்து அனுகிரகம் செய்யக்கூடிய மகாசக்தியாக அன்னையாக விளங்கக்கூடிய நம்முடைய மாரியம்மனுக்கு மிகச்சிறப்பான முறையை 4 கால பூஜைகளாக அமைத்து நம்முடைய மகன் கிரிவாசனுடைய பொறுப்பிலே நல்ல சிவாச்சாரியெல்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. நேற்று யாகசாலை பூஜைலாம் பார்த்து பேங்கலாம். யாகசாலை பூஜை மிக மிக சிறப்பான அது கணபதி தாளம்னு அவங்க நாட்டியம் ஆடக்கூடியவங்களாம் திருச்சியில் தான் உங்களாக வந்திருக்காங்க.
ரொம்ப சிறப்பாக ஒவ்வொன்றும் முறையாக செய்திருப்பார். அதனால் நம்ம பெரிய டவுனில் கூட நாம் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியாது. நம்முடைய கிராமத்தை சொல்லி எல்லாரும் பார்க்க முடியாத மிகச் சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது. இந்த கும்பாபிஷேக விழாவை கண்டு தரிசித்த அனைத்து அன்பு மக்கள் தாய்மார்கள், நம்முடைய புறம்பாறை மக்கள்லாம் சிறப்போடு வாழ வேண்டும். நம்முடைய காப்பு கட்டி கொண்டிருக்கிற அன்பர் பெருமக்கள், அதே போல் நம்முடைய தகவல் குடும்பம், இன்னும் நிறைய பேர் நம்முடைய படத்துக்கு வந்து அழைச்சாங்க, சாமி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆசீர்வாதம் வரணும் அப்படின்னு. அதன்படியாக நீங்களாம் செய்த புண்ணியமாக இன்றைய தினம் மிகச்சிறப்பான முடிய கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றிருக்கிறது. அடுத்தபடியாக அன்னதான விழாவை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். அப்படி அன்னதான விழாவிலையும் கலந்து கொண்டு அருட்பிரசாதங்களை பெற்று எல்லாம் வல்ல மாரியம்முடைய திருவிழை பெற்று நோயற்ற வாழ்ந்தும் புரவிசலமாக வாழ வேண்டுமாக வாழ்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய திருமணத்தில் நிறைந்த பரிபூர்ணமான ஆசைகளை சொல்லி யாருக்கு என்ன குறைகள் இருந்தாலும் குறைகள்லாம் நீங்க வேண்டும். பல காலங்களாக பல நாட்களாக திருமணமாகாத பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் திருமண காலம் நடைபெற வேண்டும். திருமணமாகி குழந்தை பெறாத குழந்தை பேர் கிடைக்க வேண்டும். உங்களுடைய வியாபாரங்கள், விவசாயங்கள், தொழில்கள், குழந்தைகளுடைய கல்வி எல்லாம் முன்னேற்றமாக அமைய வேண்டும் என்று மீண்டும் உங்களைக்கெல்லாம் வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து நம்முடைய அருளாசியை நிறைவு செய்கிறோம். நம்ம பார்வதி பதனே அரகர மகாதேவ வெற்றி வேல் முருகனுக்கு வரமளித்து உலகமெல்லாம் வாழ வைக்க வந்தவளே, கரம் குவித்து வேண்டுகின்றோம் காத்திடுவாய் கருமாறி, காத்திடுவாய் கருமாறி. உன்னை வணங்குகின்றோம் கருமாரியம்மா, உன்னை வணங்குகின்றோம்.
மாரியாட்டா செல்ல மாரியாட்டா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரவி நாடி நில்லாத்தா ஆடி வந்தாள் முத்து பல்லக்கினில் ஏறி வந்தாள் அவள் முந்தை வீணை தீர்க்க ஓடி வந்தாள்
ஓடி வந்தாள் தேவி கருமாரி அம்மா தேடி வந்த உன்னை அம்மா ஆவலுடன் உன்னை பணிந்தோம் நாவார பாட வந்தோம் அவளுடன் உன்னை பணிந்தோம் நாவார பாட வந்தோம் அவளுடன் உன்னை பணிந்தோம் நாவார பாட வந்தோம் நாவார பாட வந்தோம் நாவார பாட வந்தோம்